Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. And press the bell icon. और कौन है ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा है? दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति देश की सबसे अनुशासित कही जाने वाली फोर्स सीआरपीएफ और उसके सबसे घातक टुकड़ी कोबरा कमांडो फोर्स का हिस्सा है। हथकड़ियों में बंधा ये जवान वही है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर रोज सर पर कफन बांधकर जंगलों में अनजान दुश्मन से लोहा लेता है। लेकिन इस कोबरा कमांडो जवान जिसका नाम सचिन सुनील सावंत है, इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया और बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उन्होंने घर के बाहर बिना मास्क लगाए बाइक धोने का अपराध किया था। क्या सच में ये इतना बड़ा अपराध है जिसके लिए एक सम्मानित प्रतिष्ठित फोर्स के कमांडो को पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर जमीन पर घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा और तो और जवान को पानी तक नहीं दिया? जो कमांडो रात दिन कांटों के बिस्तर पर सोकर दुश्मन से लड़ता है, पुलिस उसे नंगे पैर पुलिस स्टेशन ले गई जबकि पुलिस को यह मालूम था कि सचिन एक कोबरा कमांडो है। पहली बात तो बिना जुर्म साबित हुए पुलिस द्वारा इस जवान को हथकड़ी पहनाना ही गैरकानूनी है और यह साफ कहा जा सकता है कि पुलिस ने यह कार्रवाई बदले की भावना से की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 23 अप्रैल का है। जवान सुनील सावंत छुट्टियों में घर आए थे। सुनील सावंत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना चेतावनी के उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें नंगे पैर गलियों में घुमाया और हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। यहां सवाल ये उठता है कि कैसे पुलिस ने बिना कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सूचना दिए हुए कोबरा कमांडो के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अब जब सुनील सावंत और पुलिस के बीच हुई उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो इस मामले ने लोगों के अंदर पुलिस की इस गलत तरीके से की हुई कार्रवाई के खिलाफ रोष भर दिया है और इस मामले में सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के दखल के बाद पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश डीजी और आईजीपी को दे दिए हैं। अगर जवान ने कोई गलती की है तो पुलिस को चालान करना था। महामारी और लॉकडाउन को तोड़ने के लिए जो भी उचित कार्रवाई कानून के तहत होती है वो करनी थी, लेकिन एक जवान और एक कमांडो के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाकर बेलगावी पुलिस ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है जिसके लिए संबंधित पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा और सारे कोरोना वॉरियर्स आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये वो कोबरा कमांडो हैं जो रात दिन कोरोना से भी खतरनाक दुश्मन से लड़ते हैं। वो देश की सेवा में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, इसलिए इनके सम्मान पर आँच आना मतलब पूरे देश के जवानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। कोरोना वॉरियर होना अच्छी बात है, लेकिन देश के असली वॉरियर के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के असली वॉरियर कोबरा कमांडो सुनील सावंत के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आप और कौन है ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा है? दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति देश की सबसे अनुशासित कही जाने वाली फोर्स सीआरपीएफ और उसके सबसे घातक टुकड़ी कोबरा कमांडो फोर्स का हिस्सा है। हथकड़ियों में बंधा ये जवान वही है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर रोज सर पर कफन बांधकर जंगलों में अनजान दुश्मन से लोहा लेता है। लेकिन इस कोबरा कमांडो जवान जिसका नाम सचिन सुनील सावंत है, इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया और बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उन्होंने घर के बाहर बिना मास्क लगाए बाइक धोने का अपराध किया था। क्या सच में ये इतना बड़ा अपराध है जिसके लिए एक सम्मानित प्रतिष्ठित फोर्स के कमांडो को पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर जमीन पर घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा और तो और जवान को पानी तक नहीं दिया? जो कमांडो रात दिन कांटों के बिस्तर पर सोकर दुश्मन से लड़ता है, पुलिस उसे नंगे पैर पुलिस स्टेशन ले गई जबकि पुलिस को यह मालूम था कि सचिन एक कोबरा कमांडो है। पहली बात तो बिना जुर्म साबित हुए पुलिस द्वारा इस जवान को हथकड़ी पहनाना ही गैरकानूनी है और ये साफ कहा जा सकता है कि पुलिस ने ये कार्रवाई बदले की भावना से की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 23 अप्रैल का है। जवान सुनील सावंत छुट्टियों में घर आए थे। सुनील सावंत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना चेतावनी के उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें नंगे पैर गलियों में घुमाया और हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। यहां सवाल ये उठता है कि कैसे पुलिस ने बिना कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सूचना दिए हुए कोबरा कमांडो के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अब जब सुनील सावंत और पुलिस के बीच हुई उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो
तो इस मामले ने लोगों के अंदर पुलिस की इस गलत तरीके से की हुई कार्रवाई के खिलाफ रोष भर दिया है। और इस मामले में सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के दखल के बाद पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश डीजी और आईजीपी को दे दिए हैं। अगर जवान ने कोई गलती की है तो पुलिस को चालान करना था। महामारी और लॉकडाउन को तोड़ने के लिए जो भी उचित कार्रवाई कानून के तहत होती है वो करनी थी, लेकिन एक जवान और एक कमांडो के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाकर बेलगावी पुलिस ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, जिसके लिए संबंधित पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा और सारे कोरोना वॉरियर्स आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये वो कोबरा कमांडो हैं जो रात दिन कोरोना से भी खतरनाक दुश्मन से लड़ते हैं। वो देश की सेवा में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, इसलिए इनके सम्मान पर आँच आना मतलब पूरे देश के जवानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। कोरोना वॉरियर होना अच्छी बात है, लेकिन देश के असली वॉरियर के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के असली वॉरियर कोबरा कमांडो सुनील सावंत के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आप और कौन है ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा है? दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति देश की सबसे अनुशासित कही जाने वाली फोर्स सीआरपीएफ और उसके सबसे घातक टुकड़ी कोबरा कमांडो फोर्स का हिस्सा है। हथकड़ियों में बंधा ये जवान वही है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर रोज सर पर कफन बांधकर जंगलों में अनजान दुश्मन से लोहा लेता है। लेकिन इस कोबरा कमांडो जवान जिसका नाम सचिन सुनील सावंत है, इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया और बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उन्होंने घर के बाहर बिना मास्क लगाए बाइक धोने का अपराध किया था। क्या सच में ये इतना बड़ा अपराध है जिसके लिए एक सम्मानित प्रतिष्ठित फोर्स के कमांडो को पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर जमीन पर घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा और तो और जवान को पानी तक नहीं दिया? जो कमांडो रात दिन कांटों के बिस्तर पर सोकर दुश्मन से लड़ता है, पुलिस उसे नंगे पैर पुलिस स्टेशन ले गई, जबकि पुलिस को ये मालूम था कि सचिन एक कोबरा कमांडो है। पहली बात तो बिना जुर्म साबित हुए पुलिस द्वारा इस जवान को हथकड़ी पहनाना ही गैरकानूनी है और ये साफ कहा जा सकता है कि पुलिस ने ये कार्रवाई बदले की भावना से की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 23 अप्रैल का है। जवान सुनील सावंत छुट्टियों में घर आए थे। सुनील सावंत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना चेतावनी के उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें नंगे पैर गलियों में घुमाया और हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। यहां सवाल ये उठता है कि कैसे पुलिस ने बिना कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सूचना दिए हुए कोबरा कमांडो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब जब सुनील सावंत और पुलिस के बीच हुई उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो इस मामले ने लोगों के अंदर पुलिस की इस गलत तरीके से की हुई कार्रवाई के खिलाफ रोष भर दिया है। और इस मामले में सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के दखल के बाद पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश डीजी और आईजीपी को दे दिए हैं। अगर जवान ने कोई गलती की है तो पुलिस को चालान करना था। महामारी और लॉकडाउन को तोड़ने के लिए जो भी उचित कार्रवाई कानून के तहत होती है वो करनी थी, लेकिन एक जवान और एक कमांडो के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाकर बेलगावी पुलिस ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, जिसके लिए संबंधित पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा और सारे कोरोना वॉरियर्स आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये वो कोबरा कमांडो हैं जो रात दिन कोरोना से भी खतरनाक दुश्मन से लड़ते हैं। वो देश की सेवा में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, इसलिए इनके सम्मान पर आँच आना मतलब पूरे देश के जवानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। कोरोना वॉरियर होना अच्छी बात है, लेकिन देश के असली वॉरियर के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के असली वॉरियर कोबरा कमांडो सुनील सावंत के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आप